हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फॉर रिवीजन ऑफ ITJEE एंड नीट 2020। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ये जो हमको फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, इसका हमें एनेंशियोमर फाइंड करना है। ठीक है, हमको एनेंशियोमर पता करना है इस मॉलिक्यूल का। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इसका मिरर इमेज बनाना है। बिकॉज एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो मिरर इमेज अगर हम इसका बनाएंगे तो मिरर इमेज में राइट लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका एनेंशियोमर बनाने की कोशिश करें, सो व्हाट विल हैपन, ब्रोमीन इज ऑन राइट साइड, सो इट विल कम ऑन लेफ्ट साइड। मान लो आप यहाँ पर आपके पास में एक मिरर है, तो ब्रोमीन लेफ्ट में आ जाएगा, हाइड्रोजन लेफ्ट में, OH लेफ्ट में, और ये जो लेफ्ट वाले साइड है ये राइट में चले जाएंगे। मीन्स ME ब्रोमीन मिथाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये आपका इथाइल। नाउ अगर क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन मिलता है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बट समटाइम्स क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि फिशर प्रोजेक्शन ये वाला ना मिले। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर हम देखें तो ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मतलब 2, 4, 6 ऐसे अगर एक्सचेंजेस होते हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन का जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। मीन्स वो आइडेंटिकल रहेगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल का मैं एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, ये ब्रोमीन अगर हाइड्रोजन की पोजीशन से एक्सचेंज कर ले तो कितना एक्सचेंज हुआ, वन। कितना एक्सचेंज हुआ, वन एक्सचेंज। ब्रोमीन यहाँ पर गया और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये वन एक्सचेंज। नाउ अब क्या सिचुएशन है, लिखते हैं। ये आपका इथाइल, ये आपका ME एज इट इज, OH ब्रोमीन, और ये H, ओके, और ये मिथाइल। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला ब्रोमीन और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पर कौन आ गया, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। कितने एक्सचेंज हुए, वन। बट हमने कितना एक्सचेंज इंक्लूड करा था, हमने कहा था कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज मतलब 2, 4, 6। ओके, तो अब एक और एक्सचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रोमीन यहाँ पर आ जाए और मिथाइल यहाँ पर आ जाए तो ये एक और एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, ये ब्रोमीन यहाँ पर आ गया और मिथाइल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कितने एक्सचेंज हो गए, टू एक्सचेंजेस। देखते हैं कैसे, ब्रोमीन हाइड्रोजन की पोजीशन पे गया, वन एक्सचेंज, और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, और एक और एक्सचेंज हो गया, तो मिथाइल यहाँ पर आ गया और एक और हो गया। तो अगर आपको ये ऑप्शन भी मिलता है तो भी आपका आंसर क्या होगा, सेम, मतलब ये भी करेक्ट होगा। ये अगर ऑप्शन में तो ये भी एनेंशियोमर है, और अगर ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन भी आपका एनेंशियोमर कहलाएगा। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर वन इज क्लियर टू यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा जा रहा है कॉन्फिगरेशन एट कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर थ्री। ओके, ये हमारे पास में एक फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, और इस फिशर प्रोजेक्शन में हमसे पूछा जा रहा है C2 एंड C3 पर हमको कॉन्फिगरेशन बताना है, मीन्स R या फिर S। देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग हो गया ये 1, 2, 3, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, हमारा फोकस कायरल कार्बन पर होगा, C2 एंड C3 पर। ठीक है, ओके, तो वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कार्बन नंबर टू पर हम लोग चेक करते हैं कि R कॉन्फ़िगरेशन है या फिर S कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ओके, अब मैं फोकस कर रहा हूँ C2 पर।
अब हम फोकस कर रहे हैं कार्बन नंबर टू पर, तो ये मेरा हो गया कार्बन नंबर टू। ठीक है, आप लोगों को सीआईपी रूल्स पता होंगे, सीआईपी रूल्स, उसमें हम लोग प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो इस कायरल कार्बन पे सी टू पर हम लोगों को कॉन्फिग्रेशन चेक करना है सी टू एंड सी थ्री पर। ठीक है, ठीक है, तो सी टू पर अगर मैं देखता हूँ तो सी टू पर मुझे क्लोरीन, हाइड्रोजन, फिर पूरा का पूरा ये ग्रुप और सी एस थ्री, ये चार ग्रुप मिलते हैं। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। नाउ क्लोरीन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्लोरीन वाला पोजीशन क्या होगा? नंबर वन होगा। ठीक है, इसके बाद में लीस्ट प्रायोरिटी, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो ये हो जाएगा फोर। देन कम्स दिस थर्ड, दिस पोजिशन। अब इससे अगर हम देखें तो कार्बन जोड़ा है और इससे भी कार्बन जोड़ा हुआ है, बट कार्बन के साथ में कौन है? हाइड्रोजन, जो कि एटॉमिक नंबर कम होता है, और यहाँ वाला कार्बन के साथ में क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। सी आई पी रूल्स में हम लोग नंबरिंग करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो ये वाला जो पोजिशन है, मीन्स ये नीचे वाला पोजिशन, इस ग्रुप का पोजिशन क्या होगा? हायर होगा। तो वन और फोर हो गया है, तो सेकेंड नंबर कहाँ पर होगा? यहाँ पे, और थर्ड नंबर यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग वन टू टू एंड टू टू थ्री जाते हैं, तो वन से टू और ये टू से थ्री गए। ठीक है, तो ये कौन सा क्लॉकवाइज मिला? ये हमको कौन सा रोटेशन मिला? हमको मिला क्लॉकवाइज। बट अगर क्लॉकवाइज होता है तो आप बोलते हो आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लॉकवाइज के लिए हम लोग कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? आर कॉन्फ़िगरेशन। बट ये आर कब होता है? जब वर्टिकल लाइन पे फोर नंबर का प्रायोरिटी हो। बट वर्टिकल लाइन पर फोर नंबर नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पर फोर है। तो ऑल दो हम क्लॉकवाइज के लिए आर बोलते हैं, बट सिंस फोर्थ नंबर आपके पास में कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आप इसको क्या बोलोगे? एस। ठीक है, तो ये जो हमको कॉन्फ़िगरेशन मिला है यहाँ पे, ये हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? एस। तो ये जो सी टू था, सी टू पर क्या बोल दिया हमने? एस कॉन्फ़िगरेशन। सी टू पर क्या बोल दिया? एस। अब कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर थ्री के लिए हम लोग इसी तरह से प्रायोरिटी सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सी आई पी रूल्स। तो सी थ्री के लिए बनाते हैं, ओके, नाउ ये थर्ड नंबर का कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, इस कायरल कार्बन पर यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? नंबर वन, ओके, और हाइड्रोजन का सबसे कम, तो नंबर होगा फोर। अब यहाँ पर एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगेन इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो टू एंड देन थ्री। नाउ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फोर्थ नंबर ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, तो अगर हम वन से टू, टू से थ्री जाएंगे, और वन से टू, टू से थ्री आपको इस तरह जाना है कि बीच में थ्री ना आए। मतलब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो पहले मेरे को थ्री मिल जाएगा, तो मेरे को ऐसे नहीं जाना है, मेरे को थ्री लास्ट में मिलना चाहिए। तो मैं जाऊंगा इस तरह से, वन से टू, टू से थ्री, तो कौन सा मिला? आर। कौन सा मिला? ये आर। बट फोर्थ नंबर ग्रुप हमारा कौन से लाइन पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे इसको? एस, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए आर होता है, बट फोर्थ नंबर ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? एस। ओके, तो ये वाला जो आपका कार्बन था, ये था सी थ्री, और सी थ्री भी क्या मिल गया? एस। तो आंसर क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन का? टू ओ एस, थ्री एस। कार्बन नंबर टू एस कॉन्फ़िगरेशन एंड थ्री अगेन एस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अबाउट टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के हमको दो स्टीरियो आइसोमर्स दे रखे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये दोनों, और इन दोनों में पूछा है ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं। मतलब क्या ये एनेंशियोमर्स हैं, क्या ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें
तो अगर ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होना पड़ेगा। नाउ वर्टिकल लाइन के पोजीशंस तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच, ओके। नाउ अगर ये मिरर इमेज होता तो ओ एच ओ एच यहाँ पर सेम साइड पे, तो मिरर इमेज में भी ओ एच एंड ओ एच कहाँ पर होता, सेम साइड पे, ओके। बट यहाँ पर ओ एच और ओ एच अपोजिट साइड में है और यहाँ पर ओ एच और ओ एच सेम साइड पे है, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं डाया स्टीरियोमर्स, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डाया स्टीरियोमर्स। ओके, तो ये दोनों जो आइसोमर्स हैं हमारे टार्ट्रिक एसिड के, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डाया स्टीरियोमर्स। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डाया स्टीरियोमर्स। ओके, सो दीज टू आर डाया स्टीरियोमर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आइए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है और इसमें हमें एरिथ्रोफ्रॉम बनाना है इस मॉलिक्यूल का। ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिथ्रोस क्या होता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो मैं यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल्स, जहाँ से ये टर्म आ रहा है एरिथ्रो, इसी टाइप से एक और मॉलिक्यूल होता है थ्रियो, ठीक है। तो एरिथ्रोज एंड थ्रियोस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिथ्रोज क्या होता है, सी एच ओ एंड सी एच ओ सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, ठीक है। देखिए एरिथ्रोज में क्या होता है, जो ओ एच और ओ एच होता है वो सेम साइड पे होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ओ एच ओ एच एच एच, और थ्रियोज में ओ एच ओ एच और एच एच, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना लेते हैं, तो याद कैसे रखना है आपको, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो एरिथ्रोज में ओ एच और ओ एच सेम साइड पे, थ्रियोज में ओ एच एंड ओ एच अपोजिट साइड पे। नाउ एरिथ्रोज एंड थ्रियोस, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को मतलब हम इन जनरल अगर बनाए तो एरिथ्रो एंड थ्रियो, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं। तो एरिथ्रो एंड थ्रियो जब हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एरिथ्रो फ्रॉम बनाना है, तो सबसे पहले तो टू कायरल कार्बन्स होंगे, ठीक है, और मुझे इसका एरिथ्रो फ्रॉम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास में कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और एक ये कायरल कार्बन है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास में कायरल कार्बन हो गया, इसके साथ में ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सी एच थ्री, और सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख दिया, सी एच थ्री। नाउ इस कायरल कार्बन पर अगर हम देखें तो एक ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन।
तो अगर मुझे एरिथ्रोफ्रॉम बनाना है, मतलब एरिथ्रोस के सिमिलर बनाना है, तो सेम ग्रुप सेम साइड पे आते थे, ठीक है? तो यहाँ पर कायरल कार्बन पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को हमें सेम साइड पे लाना पड़ेगा, ठीक है? तो H और H, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और उनको आना पड़ेगा सेम साइड पर, ठीक है? और अगर हम दूसरा ग्रुप देखें तो फिर यहाँ पर OH है और यहाँ पर Cl है, तो ये इस मॉलिक्यूल का कौन सा फॉर्म हो गया? एरिथ्रोफॉर्म। ऑल्दो आप चाहते तो हाइड्रोजन को लेफ्ट में, मतलब इसका मिरर इमेज बनाते, तो वो भी क्या होता? एरिथ्रोफॉर्म। तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, या फिर CH3, H, OH, Cl। तो इन दोनों में से कोई भी आपका अगर ऑप्शन है तो आपका वो एरिथ्रोफॉर्म हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, इसका हमें इनॉल फॉर्म बनाना है, ठीक है? एक तो इसका ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू ड्रॉ इनॉल फॉर्म ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास में कीटो फॉर्म दे रखे हैं और इनके हमें इनॉल फॉर्म बनाना है, ठीक है? तो अगर हम पहले वाले केस में देखें तो यूजुअली क्या होता है, जो आपका अल्फा पोजिशन होता है, अल्फा पोजिशन से हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है और यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं कर पाता है। बट अल्फा के बाद में बीटा और बीटा के बाद में गामा, तो ये एक स्पेशल एग्जाम्पल होता है जहाँ पर गामा पोजीशन से हाइड्रोजन माइग्रेट करता है और इस ऑक्सीजन के पास में आता है। देखते हैं कैसे। देखिए, अगर गामा पोजीशन का हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो ये नेगेटिव यहाँ डीलोकलाइज होकर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये ऊपर, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा O पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और अभी H पॉजिटिव यहाँ से निकल चुका है, तो H पॉजिटिव जो आपका है वो यहाँ पर जाके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? तो जब H पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो ये आपका आंसर, ठीक है? इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। ओके, चलिए अब इसके लिए भी हम बनाते हैं इनॉल फॉर्म। नाउ दिस मॉलिक्यूल पजेज अल्फा हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन है ये
अल्फा पोजीशन पर है और अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका इनॉल फॉर्म बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसको अगर हम बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर और डबल बॉन्ड आपका ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल मिला है इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। सो इन आइदर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इनॉल फॉर्म इज सेम, दैट इज फिनॉल, यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर। और ये जो फिनॉल होता है ये एरोमेटिक होता है, तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड आपका प्रोडक्ट है तो ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फिनॉल का परसेंटेज काफ़ी हाई होगा यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई होप यू हैव एन्जॉयड, यू हैव लर्न्ड। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।